हेलो, आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ने वाले हैं जो कि है इंटीग्रल्स। यह चैप्टर मैथ्स के अलावा फिजिक्स एंड केमिस्ट्री में भी आपको काफी यूज आने वाला है। तो चलिए हम सबसे पहले यह जान लेते हैं कि इस चैप्टर को हम पढ़ते क्यों हैं। अभी तक आप डिफ्रेंसिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं। डिफ्रेंसिएशन का सबसे कॉमन एग्जाम्पल था डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी, यानी कि यदि हमें किसी कार ए के लिए उसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो हम उसकी वेलोसिटी कैसे फाइंड करते हैं। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि यदि हम डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाएगी, यानी कि इस केस में कार ए के लिए हम वेलोसिटी आसानी से निकाल सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि यदि हम डिस्प्लेसमेंट का टी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन कर दें तो हमें वेलोसिटी मिल जाती है। अब यदि हम कार बी के लिए देखें जिसकी हमें वेलोसिटी पता है, तो क्या हम उसका डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं, यानी कि क्या हम वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट की तरफ रिवर्स प्रोसेस में जा सकते हैं। इसका आंसर अभी तक हमारे पास नहीं है। इसी के बारे में हम आगे इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। हम अभी तक ये पढ़ चुके हैं कि यदि कोई फंक्शन एफ एक्स है एंड उसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें देन वी गेट एफ डैश एक्स, जो कि एफ एक्स का डेरिवेटिव होता है। अब यदि हमें किसी फंक्शन एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स दे रखा है तो क्या अब हम इससे ओरिजिनल फंक्शन एफ एक्स निकाल सकते हैं। इसका आंसर भी हम इस चैप्टर में आगे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का पहला टॉपिक है जिसमें हम एक नए टाइप के ऑपरेटर के बारे में सीखेंगे जो कि है इंटीग्रेशन। इस टॉपिक में हम इंटीग्रेशन के बेसिक कंसेप्ट के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड सभी टर्मिनोलॉजी के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शन का इंटीग्रेशन करना सीखेंगे और इस टॉपिक के लास्ट में हम इंटीग्रेशन के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अब हम इस चैप्टर को पढ़ने से पहले कुछ कंसेप्ट्स को रिवाइज कर लेते हैं। हम पिछले चैप्टर्स में डिफरेंशिएशन के बारे में पढ़ चुके हैं। वहां हम पढ़ चुके हैं कि किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम एफ डस एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसके अलावा हम डिफरेंशिएशन के रूल्स भी पढ़ चुके हैं और हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस के लिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले भी पढ़ चुके हैं। तो चलिए डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट पर बेस्ड एक हम क्वेश्चन कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमें दो अलग अलग फंक्शंस दे रखे हैं और हमें इन दोनों फंक्शंस को डिफ्रेंशिएट करना है। सो प्लीज पॉज द वीडियो हेयर एंड टेक 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। आई होप आप सभी ने इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया होगा। तो अब इनका आंसर ये है।